पॉइंट्स टू रिमेम्बर, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ उनको हम देखेंगे। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट जो है, HCl प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम टू द फूड एंड किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द फूड। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और ये यहाँ पर ये सेकंड पॉइंट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये देखिए कि इस पॉइंट पर लिखा हुआ है, HCl जो है ये क्या करता है, एसिडिक मीडियम फूड को देता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो फूड में प्रेजेंट होते हैं उन्हें किल करता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो म्यूकस स्टमक वॉल से रिलीज करती है वो कैसे लेकिन प्रोटेक्ट रह जाती है, यानी कि ये अगर स्टमक का डायग्राम ऐसे बनाते हैं तो ये स्टमक है और यहाँ पर कह रहे हैं कि HCl रिलीज होगा। रिलीज़ कहाँ से होता है कि ये स्टमक की ही जो वॉल्स होती हैं, स्टमक की ही वॉल्स हैं, इन्हीं वॉल्स में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। जब फूड स्टमक में एंटर करता है, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि कहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हुई, जब फूड जो है वो स्टमक में एंटर कर रहा है तो उस टाइम पर, एट द टाइम ऑफ एंट्री ऑफ फूड, वैसे ही यहाँ जो स्टमक की दीवार में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, करोड़ों गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, मिलियंस ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। तो यही गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या रिलीज करती हैं, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती हैं। कौन क्या रिलीज करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करती हैं, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती है। तो बेसिकली ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होने वाला गैस्ट्रिक जूस है, इसमें तीन बेसिक चीज़ें होती हैं गैस्ट्रिक जूस में। एक तो आपका HCl होता है बेटा, एक आपका ये म्यूकस होता है, और तीसरे ये आपके एंजाइम्स का सेट होता है। तो एक एंजाइम के सेट में, इसी को आपको मैं बताती हूँ, रेनू अम्मा के लिए पेप्सी लाइए, तो रेनिन, पेप्सिन और एमाइलेज, लाइपेज, ये सारे एंजाइम्स होते हैं। लाइपेज देखिए, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट लाइपेज है एंजाइम, तो इसी को नाम दे दिया, पूरा नाम कहा गैस्ट्रिक लाइपेज है, ठीक है, लाइपेज। तो लाइपेज जो है उसका काम ही क्या होता है, लाइपेज एंजाइम हमेशा क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है। तो कुछ अमाउंट में ही फैट का डाइजेशन होता है, ज़्यादा अमाउंट में नहीं होता। यहाँ स्टमक में, मेनली स्टमक में किसका डाइजेशन होता है, एक क्वेश्चन ये भी एक नंबर का पूछा जाता है आपसे, पूछा जाए कि स्टमक में मेनली क्या डाइजेशन होता है, क्या चीज़ स्टमक में डाइजेस्ट होती है, तो आप आंसर बताओगे कि स्टमक में क्या डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन डाइजेस्ट होती है। क्या डाइजेस्ट होता है स्टमक में, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे, तो प्रोटीन का डाइजेशन होता है, और प्रोटीन के डाइजेशन के लिए दो एंजाइम पाए जाते हैं, एक तो आपका पेप्सिन पाया जाता है, और एक होता है आपका एंजाइम जिसको कहते हैं रेनिन एंजाइम पाया जाता है। एक पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है आपका, और एक कौन सा एंजाइम पाया जाता है, रेनिन एंजाइम। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पेप्सिन दिखाया मैंने आपको, पेप्सिनोजन से एक्टिव होकर के पेप्सिन बनता है, और दूसरा एंजाइम आप देख रहे हैं यहाँ, रेनिन देख रहे हो। तो ये रेनिन है, ये जो रेनिन है इसका काम देखिए लिखा हुआ है, ये कैसीन, कैसीन क्या है, प्रोटीन है, मिल्क में पाई जाने वाली जो प्रोटीन होती है कैसीन प्रोटीन होती है, और रेनिन के प्रेजेंस में वो किस में बदल जाती है, पैरा कैसीन में, या इसे एक पूरा नाम देते हैं कैल्शियम पैरा कैसीनेट में बदल जाती है। कैल्शियम पैरा कैसीनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो फंक्शन है, ये जो काम है कैसीन मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन, इसके लिए कैल्शियम आयन की भी ज़रूरत होती है, और कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में अच्छे से मिल्क प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट होती है, और उसमें मिल्क में जो प्रोटीन है कैसीन वो किस में बदल जाती है, पैरा कैसीन में बदल जाती है, और कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में होता है, इसीलिए इसको पूरा नाम दिया गया है कैल्शियम पैरा कैसीनेट। तो कुछ कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई, फिर से हम इसको समझते हैं, ठीक है, कि क्या हमने चीज़ें, क्या क्या चीज़ें देख ली। तो यहाँ पर हमने, मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें हमने देखी वो हम समझते हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एक्टिव हो जाती हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कैसे एक्टिव होती हैं ये समझा, तो कैसे एक्टिव होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड जब फूड फूड जो है स्टमक में पहुंचता है, ये है स्टमक, ठीक है, और स्टमक में आ गया क्या, फूड आया, ठीक है, ये है फूड स्टमक में पहुँचा, तो स्टमक की ही वॉल पर बहुत सारी, क्या मैंने आपको बताया, ग्लैंड्स हैं, ये यहाँ पर इसी की स्टमक की वॉल में मस्कुलर वॉल होती है, इसी में प्रेजेंट होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। यही गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करती हैं, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करती हैं गैस्ट्रिक जूस।
क्या रिलीज करती है गैस्ट्रिक ग्लैंड? गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करती है गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। अब इस गैस्ट्रिक जूस के तीन मेजर कंटेंट है, आपको बताया मैंने, म्यूकस है और HCl है और एंजाइम्स है। ठीक, तो ये एंजाइम्स प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट तीनों का डाइजेशन करने वाले हो सकते हैं। तो फैट के डाइजेशन के लिए आपको देखिए लाइपेज एंजाइम मिलता है, प्रोटीन के एक डाइजेशन करने के लिए देखिए एक पेप्सिनोजन एंजाइम है, और प्रोटीन का ही डाइजेशन करता है रेनिन एंजाइम है। तो ये लाइपेज एंजाइम, ये पेप्सिनोजन एंजाइम और ये रेनिन एंजाइम, ये सब कहाँ है? ये गैस्ट्रिक जूस से रिलीज होता है। ठीक है, इसी के अलावा यहाँ पर एक ये यहाँ पर देख रहे हैं सलाइवरी एमाइलेज जो रहता है। तो पहले फूड ये कहाँ था? ये फूड पहले था माउथ में। माउथ में क्या हुआ, इसे चर्निंग मूवमेंट मींस इसमें मैस्टिकेशन हुआ विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड टंग, और वहाँ पर टाइलिन था उसके उसी या जो सलाइवा था उससे मिक्सअप होकर के फूड छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो गया, और फिर स्वॉलोइंग करके गले से निगल के पूरा फूड पाइप से होते हुए अब ये कहाँ पहुँच चुका था, स्टोमक में। और वहाँ स्टोमक में अब हम बात कर रहे हैं, तो जैसे कि माउथ में सलाइवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम रिलीज होता है, वैसे ही गैस्ट्रिक जूस से भी एमाइलेज एंजाइम भी रिलीज होता है। और एमाइलेज किसका डाइजेशन करता है? एमाइलेज करता है डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन तीनों के डाइजेशन के लिए एंजाइम निकलता है, तो इसीलिए कहते हैं रेनू अम्मा के लिए पेप्सी लाइए, क्योंकि रेनिन है, रेनू अम्मा से हो गया एमाइलेज एंजाइम हो गया, अम्मा के लिए लाइपेज हो गया, और पेप्सी लाइए से पेप्सिन हो गया। ठीक है, तो रेनिन पेप्सिन दो एंजाइम जो हो गए आपके वो प्रोटीन डाइजेस्टिव हो गए, अमाइलेज हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग, और लाइपेज आपका हो गया क्या है, वो फैट को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ हमने ये चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो देख रहे थे, तो इस तरह से हमें ये पता चल गया कि यहाँ जो लिखा है कि HCl provides acidic medium to the food and kills microorganisms present in the food। तो ये HCl release कहाँ से हुआ है? गैस्ट्रिक ग्लैंड ने गैस्ट्रिक जूस रिलीज किया है, और उसी गैस्ट्रिक जूस में HCl भी है। और ये HCl का फंक्शन क्या है? अगर ये रिलीज हुआ है तो कुछ काम करने के लिए आया है। तो ये क्या काम करता है, ये हमने देखा कि ये क्या करता है, दो काम किया है, एसिडिक मीडियम कर देता है फूड को, मीडियम को एसिडिक कर देता है। क्यों? क्योंकि ये स्टोमक में रिलीज हो रहा है, और स्टोमक में जो एंजाइम्स हमने पढ़े अभी रेनू अम्मा के लिए पेप्सी लाइए में, तो वो एंजाइम किस मीडियम में काम करते हैं? वो सारे एंजाइम जो हैं वो एसिडिक मीडियम में काम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टोमक में जो एंजाइम्स काम करते हैं वो किस मीडियम में काम करते हैं? एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो ये पेप्सिनोजन एंजाइम है, तो HCl ने इसको किस में बदल दिया था? पेप्सिन ने बदल दिया था। ठीक है, फिर पेप्सिन ने ही क्या किया, इसी पेप्सिन एंजाइम ने प्रोटीन को डाइजेस्ट किया है और प्रोटीएजेस में बदल दिया। इसी तरीके से लाइपेज एंजाइम था, उसने फैट को डाइजेस्ट किया। फिर आप एक देख रहे हो कि रेनिन भी जो था वो भी एक्टिव नहीं था, रेनिन प्रोटीन को जो डाइजेस्ट करता है वो भी HCl ने क्या किया, उसको एक्टिव रेनिन में बदला है। पहले वो प्रो रेनिन था और एक्टिव नहीं था, प्रो था तो वो एक्टिव नहीं था, और रेनिन बना तब वो एक्टिव हुआ। जब वो एक्टिव हुआ है तब देखिए उसने काम किया है और कैसीन प्रोटीन का डाइजेशन किया है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ पा रहे हैं कि HCl का काम क्या है, मीडियम को एसिडिक बनाना। क्योंकि जब तक मीडियम एसिडिक नहीं होगा तब तक आप ये जो एंजाइम्स देख रहे हो, प्रोटीन वाले एंजाइम्स, स्पेशली प्रोटीन वाले एंजाइम पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, ठीक है, ये दोनों ही जो प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, तो ये और ये एक्टिव नहीं हो पाएगा। इसको एक्टिव कौन करता है? HCl करता है। कौन एक्टिव कर रहा है? HCl कर रहा है। प्रोपेप्सिनोजन को किसमें बदल दे रहा है? पेप्सिन में। प्रोपेप्सिन कहिए या पेप्सिनोजन कहिए, दोनों कह सकते हैं, उसे एक्टिव पेप्सिन में बदलता है, और प्रोरेनिन को किसमें बदलता है? रेनिन में बदलता है। ठीक, तो इस तरह से प्रोटीन का डाइजेशन करने वाले एंजाइम HCl अगर रिलीज नहीं होता है तो मीडियम एसिडिक नहीं होगा, और ये एंजाइम कैसे रह जाएंगे? ये इनर्ट रह जाएंगे और इनएक्टिव रह जाएंगे और काम नहीं करेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम HCl का क्या है? इट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर स्टोमक में फूड के साथ कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया है तो उसे भी किल करता है। जैसे आप सुन रहे होंगे
कि जो हमारा नेजल पैसेज है उससे अगर कोरोना वायरस एंटर कर गया है, गलत तक पहुंच गया है, तो जो गलत में, हाँ आप देखते हैं फेरिंग्स रीजन होता है ना, तो वहां पर फूड पाइप, विंड पाइप दोनों मिलती है। अगर किसी तरह से नाक से होकर के वो किधर चले जा रहा है, स्टमक में पहुंच गया कोरोना वायरस, तो वहां जो HCL है ना वो उसको पूरी तरीके से खत्म कर देगा, क्योंकि वो काम ही इसका क्या है कि किसी भी तरीके से फूड से, एयर से, किसी भी तरीके से अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुंच गया है स्टोमक में, तो उसे क्या करता है HCL, उसके माध्यम से उसको ख़त्म कर देता है। तो ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, हाईली एसिडिक होता है इसका मीडियम, तो pH इसीलिए कितना होता है, 1 से लेकर 3 होता है इस HCL का pH। इसकी वजह से ही स्टोमक के अंदर pH वैल्यू 1 to 3 रहती है, हाईली एसिडिक होती है। ये इतना स्ट्रांग एसिड होता है कि रेजर ब्लेड भी गल जाती है, ये इतना स्ट्रांग होता है। तो फिर भाई रेजर ब्लेड गल जाती है तो ये स्टोमक की दीवार क्यों नहीं गलती है? तो इसके लिए भी अरेंजमेंट है, नेचर ने सबको काम करने का भी मौका दिया है और अपने आप को सेव करने का भी मौका दिया है। तो इसीलिए देखिए एक पॉइंट लिखा है कि म्यूकस रिलीज होता है स्टोमक की वॉल को, ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस रिलीज हुआ था, उसी गैस्ट्रिक जूस में HCL रिलीज हुआ था जो दीवार को गला सकता था स्टोमक की, लेकिन ना गला सके इसके लिए एक चीज और रिलीज हुई, म्यूकस। तो ये स्टोमक है, तो स्टोमक की दीवार पर एक कवरिंग आ गई, किसकी, म्यूकस की कवरिंग। ये म्यूकस रिलीज हुआ तो ये पूरा म्यूकस ने क्या किया, स्टोमक की वॉल को पूरा कवर कर दिया। और अब ये जो HCL है, ये HCL है तो ये डायरेक्ट, ये मान लीजिए रिलीज होता है तो डायरेक्ट ये स्टोमक की दीवार के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, यहाँ यहाँ नहीं पहुँच पा रहा, इसलिए स्टोमक की दीवार को नहीं गला पाता। तो आप समझ सकते हैं कि म्यूकस का रोल कितना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट से इट्स वॉल, प्रोटेक्ट से स्टोमक वॉल फ्रॉम रिलीज्ड HCL। ठीक है, लेकिन कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा HCL रिलीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, सोर्स हो जाएंगे ये स्टोमक की दीवार में, घाव बन जाएगा और वो ही आगे चल के अल्सर का रूप ले लेता है, और इसे ही क्या कहा जाता है, पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। और आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा कि कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, वो अगर ये थोड़ा सा घाव है, उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन से वो घाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ इसीलिए कि ये बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन से कभी कभी लोअर एसोफेगस में और स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्टोमक की दीवारों में इन्फेक्शन हो जाता है। पहले वो घाव शुरू होता है किससे, HCL की वजह से, फिर उसमें बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाता है और इससे पूरा इन्फ्लामेशन हो जाती है, आंत में कहते हैं सूजन आ गई है, सामान्य भाषा में आपने इसे सुना होगा। ठीक है, फिर अब ये एंजाइम्स लिखा है, जो एंजाइम्स मैं आपको बता रही थी रिलीज होते हैं गैस्ट्रिक जूस में, तो वो आपका कौन कौन एंजाइम है, पेप्सिनोजन है, प्रोरेनिन है, गैस्ट्रिक लाइपेज है, गैस्ट्रिक अमाइलेज है। और क्लियरली इसमें लिखा भी हुआ है कि गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वो फैट का डाइजेशन कर देता है, और गैस्ट्रिक अमाइलेज क्या है, गैस्ट्रिक अमाइलेज, गैस्ट्रिक अमाइलेज होगा तो वो क्या करेगा, स्टोमक में अगर कार्बोहाइड्रेट है तो उसका डाइजेशन कर देगा। ठीक है, किसका डाइजेशन कर देगा, कार्बोहाइड्रेट का या ग्लूकोज का डाइजेशन कौन कर देगा, गैस्ट्रिक एमाइलेज कर देगा। फिर दो एंजाइम प्रोटीन वाले हैं, एक पेप्सिनोजन और एक कौन सा है, प्रोरेनिन। ठीक है, पेप्सिनोजन एक्टिव हो गया HCL के प्रेजेंस में और बनाया पेप्सिन, प्रोरेनिन एक्टिव हो गया HCL की प्रेजेंस में बनाया रेनिन, और रेनिन ने क्या किया, मिल्क प्रोटीन कैसीन को तोड़ा, पैरा कैसीन में बदल दिया, और पेप्सिन ने क्या किया, जो फूड में प्रोटीन था उसे बदल दिया प्रोटीएजेस में। तो इस तरीके से थोड़ा फूड का डाइजेशन स्टोमक में हो जाता है। बेसिकली किस चीज़ का डाइजेशन हो रहा है वहाँ पर, फूड का, प्रोटीन का डाइजेशन स्टोमक में होता है। तो यहाँ तक का पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे कि स्पेशली इसमें ये पॉइंट्स टू रिमेम्बर, जस्ट कि आपको समझा सकें, और यहाँ जो भी पॉइंट लिखा है सब इम्पॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है, नीट के एग्जाम में पूछा जाता है। जब नीट में यही क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन की कीमत हो जाती है बेटा 50,000 रुपये। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सिंपल से लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें आप अपनी बुक में अच्छे से नोट कर लीजिएगा और रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, तो